अनबॉक्सिंग में हम लोगों को देखने को मिलेगा सिस्का पावर बैंक। तो मैं दो मॉडल ले रखा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों में से किसका अनबॉक्सिंग करूँ। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसका अनबॉक्सिंग करना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि दोनों में से, तो चलिए मैं इसको अभी ले लेता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ता हूँ। तो इसको मैं रख देता हूँ और हम लोग इस पावर बैंक की अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं हूँ सरफराज और आप देख रहे हैं डिजिटल होम। तो चलिए हम लोग अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बॉक्स के ऊपर नज़र डालेंगे। तो थोड़ा मैं आप सबको कैमरा जूम करके दिखाऊंगा कि बॉक्स के ऊपर में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो हम लोगों को कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ब्रांड ने बिल्कुल अपना नाम मेंशन कर रखा है, सिस्का एक्सेसरीज पावर सिल्क 100 पावर बैंक। नीचे में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले, डुअल यूएसबी आउटपुट, पॉलीमर सेल, ए BIS सर्टिफिकेट है। एक नज़र इसके पीछे में हम लोग डालेंगे तो पावर बैंक का डायग्राम बनाया गया है और बताया गया है कि कंपेटेबल है फ़ोन के साथ, टैबलेट के साथ, कैमरा के साथ, आईपॉड के साथ और गेम पॉड के साथ। यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं। कैपेसिटी इस पावर बैंक की 10,500 mAh की है। माइक्रो यूएसबी इनपुट 5 DC 5 V 2 A का है और टोटल आउटपुट Port 1 + Port 2 DC 5 V 2 A मिलता है। हाई एनर्जी डेंसिटी पॉलीमर सेल इसमें यूज किया गया है और इसका डायमेंशन बताया गया है और प्रोडक्ट का वेट है 202 ग्राम। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं। तो साथ में हम लोग को मिलता है चार्जिंग केबल, इससे हम लोग अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं और इसी से हम लोग पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं। और ये है सिस्का की ओर से वारंटी कार्ड। हम लोगों को मिल जाता है 6 मंथ की वारंटी इस प्रोडक्ट पे। ये वाइट कलर में है और इसके फ्रंट पे हम लोग नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा होगा। ये डिस्प्ले मीटर है और नीचे में ब्रांड ने अपना मेंशन कर रखा है। तो हम लोग थोड़ा सा मीटर को ऑन करके देख सकते हैं ये काम करता है और इसमें अभी कितने बैटरी अभी भी बाकी है। तो देख सकते हैं अभी 100% इसमें बैटरी है। तो पावर बैंक के हम लोग ऊपर में नज़र डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 2 पोर्ट मिलता है, इससे हम लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। ये 2 A का है और ये चार्जिंग पिन है, इसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ये माइक्रो यूएसबी है। पावर बैंक के पीछे में एक नज़र हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे सेम चीज़ देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने अभी इसके बॉक्स पे देखा था। यहाँ पे पावर बटन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैं लगातार लेकर आता रहूँगा नए नए एक्सेसरीज, नए नए स्मार्टफोन का, नए नए गैजेट का वीडियो। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें।